दोस्तों, जन्मदिन के मौके पर विराट कोहली ने साउथ अफ्रीका की टीम पर बुरी तरह धोया और इसके बाद श्रेयस अय्यर कप्तान रोहित ने अपने बुरी तरह उनकी सफाई कर दी। जी हां दोस्तों, वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मुकाबला साउथ अफ्रीका और भारत की टीम के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान पर खेला जा चुका है। जहाँ दोस्तों, ये बड़ा मुकाबला इन दोनों टीमों के बीच इसलिए बड़ा था क्योंकि इन दोनों टीमें पॉइंट्स टेबल में पहले ही सेमीफाइनल के लिए क्वालिफायर कर चुकी है और ऐसे में इन दोनों टीमों के बीच ये बड़ा मुकाबला जब हुआ तो इस मैच में भारत के बल्लेबाजों ने पूरी तरह साउथ अफ्रीका की टीम को पूरी तरह दर्शा दिया कि वो इस वर्ल्ड कप में सबसे बड़ी टीम है। जहां इस मैच की शुरुआत कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतते ही पहले बल्लेबाजी से करी और दोस्तों, कप्तान रोहित शर्मा ने आज के मैच में पूरी तरह अपने बल्ले का जादू दिखा दिया था क्योंकि दोस्तों, कप्तान रोहित शर्मा आज की मैच में शुरुआत से ही एकदम T20 अंदाज में बैटिंग करते जा रहे थे। जहां दोस्तों, जब रोहित शर्मा शुरुआत की 3 गेंदें बिल्कुल खाली कर दी थी लेकिन चौथी गेंद पर उन्होंने आगे बढ़कर एक बेहतरीन चौका लगाया। इसके बाद रोहित शर्मा के बल्ले से एक के बाद एक चौके छक्के निकलना चालू हो गए थे तो दूसरी तरफ शुभमन गिल उनका पूरी तरह साथ दे रहे थे और एक के बाद एक वो भी आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन रोहित शर्मा के दबदबा बल्लेबाजी की वजह से भारत का स्कोर भी 5 ओवर में 50 रन तक पहुंच गया था और यह मुकाबला एकदम T20 अंदाज में आगे भाग रहा था। जहां दोस्तों, पहले विकेट के लिए ही इन दोनों बल्लेबाजों ने 62 रनों की दबदबा पार्टनरशिप कर ली थी। लेकिन दोस्तों, जब कलेश्वर रबाड़ा गेंदबाजी करने उतरे तो फिर रबाड़ा ने भारत को पहला झटका दे दिया। जब 62 रन के स्कोर पर रोहित शर्मा एक बड़ा शॉट खेल रहे थे तभी रबाड़ा की गेंद पर वो आउट हो बैठे और दोस्तों, कप्तान रोहित शर्मा ने आज की मैच में 24 गेंदों में दो छक्के और 6 चौके की मदद से 40 रनों की विस्फोटक पारी खेली थी। जहां उनके आउट होने के बाद बैटिंग करने विराट कोहली उतरे थे और दोस्तों, विराट कोहली का आज जन्मदिन था और वो 33 साल के हो चुके हैं और दोस्तों, आज वो बैटिंग करते ही उन्होंने पूरी तरह साफ कर दिए थे कि आज एक वो उन्होंने बड़े पारी खेलने वाले हैं। और दोस्तों, विराट कोहली आज के मैच में काफी कमाल का प्रदर्शन करा लेकिन इसके बीच 93 रन के स्कोर पर केशव महाराज की शानदार गेंदबाजी किया गया, शुभमन गिल क्लीन बोल्ड हो बैठे और दोस्तों, 24 गेंदों में क्लीन गिल ने एक छक्के और 4 चौकों की मदद से 23 रन बनाकर आउट हो गए थे। जहाँ उनके आउट होने के बाद इस मुकाबले में बैटिंग करने श्रेयस अय्यर उतरे थे और दोस्तों, अय्यर इस मैच में काफी धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन एक तरफ विराट कोहली एक के बाद एक शानदार शॉट खेल रहे थे और भारतीय टीम का स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ाते जा रहे थे। जहां श्रेयस अय्यर बीच में बेहद ही कम रफ्तार से रन बनाते जा रहे थे और इसी वजह से कप्तान रोहित शर्मा ने मैदान से बाहर ही ईशान किशन को ये कहकर भेजा कि आप श्रेयस अय्यर आप थोड़ी तेज बल्लेबाजी करो, भारत का रन काफी धीरे से बढ़ रही है। और इस वजह से जब श्रेयस अय्यर तक इस बात पहुंची तो फिर इसके बाद जब इन्होंने एक अलग ही लेवल में बैटिंग करी लेकिन इसी बीच विराट कोहली ने 67 गेंदों के सामना करने के बाद अपने 50 रन पूरे कर लिए थे और जब इसके बाद श्रेयस अय्यर ने भी अच्छी बल्लेबाजी करने लगे तो उन्होंने 63 गेंदों में अभी अपने 50 रन पूरे कर लिए। और दोस्तों, इसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने यहाँ से एक के बाद एक बेहतरीन शॉट खेलते गए जिस वजह से भारतीय टीम का स्कोर अब तेजी से आगे भागने लग गया था और दोस्तों, इन दोनों बल्लेबाजों के बीच 100 से ज्यादा रनों की पार्टनरशिप भी हो गई थी। लेकिन इसके बाद और भी तेजी से रन बनाने के चक्कर में श्रेयस अय्यर लुंगी अनगिली की गेंद का शिकार बन बैठे और श्रेयस अय्यर ने 87 गेंदों में 2 छक्के और 7 चौकों की मदद से 77 रनों की शानदार पारी खेली थी। जहां इसके बाद बैटिंग करने केएल राहुल उतरे थे लेकिन केएल राहुल आज के मैच में पूरी तरह लय में नहीं दिख रहे थे और इसी वजह से केएल राहुल को 249 रन के स्कोर पर मार्को जॉनसन ने आउट कर दिया था और केएल राहुल केवल 8 रन बना पाए थे। जहां इसके बाद कोहली का साथ देने सूर्य कुमार यादव उतरे थे और सूर्य कुमार यादव ने एक के बाद एक 2 बेहतरीन चौके जड़ दिए थे। जब विराट कोहली अपने शतक के करीब पहुंचते जा रहे थे जहां इसके बाद सूर्य कुमार यादव अब काफी आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन इसके बाद सूर्य कुमार यादव को भी तबरेज शमसी ने आउट कर दिया था और सूर्य कुमार यादव 22 रन बनाकर आउट हो गए थे। लेकिन इसके बाद विराट कोहली ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए 119 गेंदों का सामना करने के बाद अपना शतक पूरा कर डाला था और दोस्तों, अब उन्होंने अपनी बराबरी सचिन तेंदुलकर से कर ली है और वनडे में विराट कोहली को भी 49 शतक हो चुकी है। और इसके बाद रविंद्र जडेजा ने आखिरी ओवर में कमाल का प्रदर्शन करते हुए एक छक्का और 2 चौके लगाकर भारत का स्कोर
326 रन तक पहुंचा दिया था 5 विकेट के नुकसान पर, और भारत की टीम ने पूरे 50 ओवर खेलने के बाद 326 रन बनाए हैं। जहां दोस्तों विराट कोहली ने 101 रनों की शानदार पारी खेलकर नाबाद रहे, उनके इस पारी में 10 चौके शामिल थे, तो जडेजा ने 15 गेंदों में 29 रन बनाए। और दोस्तों भारतीय टीम ने कमाल का प्रदर्शन कर लिए हैं, और कमाल का प्रदर्शन करते हुए साउथ अफ्रीका की टीम को 327 रन का टारगेट दे दिया है। दोस्तों आपको भी अगर लग रहा है भारत टीम ये मैच जरूर जीतेगी, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।